पहली दफा ली तब मधुबन में 85 लोग थे, कोई नहीं था, ओम शांति भवन ये कुछ नहीं था, शांति स्तंभ देखा ना वहां खाना खाते थे, कोई नहीं थे, 50 लोग रहते थे। तब कहा निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करो, भगवान अपने दिल में बिठा लेता है। लेकिन निस्वार्थ भाव से करो, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया नहीं, मैंने मेरे लिए नहीं कहा, मेरे लिए नैपकिन लेके आता था, अगर इनको भी पाव दर्द नहीं होना चाहिए, इनका भी योग लगना चाहिए, तो क्या करो, औरों को सुख देने के लिए। तो निस्वार्थ भाव से कोई भी सेवा करता है, भगवान लेता नहीं है, एक का पदम गुना देता हूं, नहीं तो उस समय मैं निकल ही नहीं सकता हूं। देखो जापान से जैसे हिंदुस्तान लिवर करके फैक्ट्री बनी बॉम्बे में, ऐसे उसके बाजू में फैक्ट्री पूरा डिजाइन चल रहा था उसका, जापान से कॉन्ट्रैक्ट था पूरा, मैं एक मिनट भी निकल नहीं सकता हूं उधर से। लेकिन मुझे लगा कि बाकी लोग करना है, मुझे तो बताना ही है, मुझे कुछ हाथ से करना नहीं, दो दिन जा सकता हूँ। बड़ा भाई भी कह रहा है आप इतना बिजी रात को इतना ले जाते हो और अब उधर जा रहे हो, हमने कहा दो दिन और बाकी लोग कर रहे हैं, दो दिन क्या जाऊंगा, 8 महीना मधुबन में रहा। क्या किया पूछे गया, जो आपको कल योग सिखाया, मुझे भी विचार था बाबा तो दिखाई नहीं देता, भगवान आया कहते कहां आया, अगर मुझे कोई पूछे भगवान आया है किसने देखा है, तब मुझे भगवान इधर आया है मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूं, तब मानूंगा। हाँ ज्ञान ठीक है, लोग ठीक है, भगवान तो इधर नहीं आया, देखा है ना बाबा के चित्र के सामने बैठते हैं, बाबा करते देखते बैठते हैं, 4 साल कॉलेज बॉम्बे में, 2 साल, 6 साल हो गया, तब तक योग क्या है पता ही नहीं है, बाबा के कमरे में आके बैठना जैसे मंदिर में मूर्ति के सामने बैठते हो, तो योग क्या है पता ही नहीं। तो मैंने सोचा हाँ मधुबन में भगवान आता है शिव बाबा, तो मुझे अपने आंखों से देखना है तब मानूंगा, ऐसे नहीं कहने से नहीं। तो मम्मा बाबा 2-2 बजे उठ के छत पर जाके बैठते थे, सुनाया मम्मा बाबा 2-2 बजे उठ जाते थे, हम भी 2 बजे, इतनी ठंडी थी, लाइट नहीं होती थी, करंट नहीं, हीटर नहीं, इतनी ठंडी, 2-2 बजे उठ के बैठ जाते, शिव बाबा अगर आप आते हो मैं आपको मिल देखना चाहता हूं, क्यों नहीं मिलते हो आप, हम आपके बच्चे, आप क्यों नहीं मिलते हो, क्या तकलीफ है, भगवान हमारा बाप कैसे क्यों हमारे। 1 महीने के बाद मेरे सामने एक सफेद चमकता हुआ सितारा आया, हमने कहा मैं भगत नहीं हूं, मुझे साक्षात्कार नहीं चाहिए, बाबा जो है वैसा मैं देखना चाहिए। और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद 2 घंटे मेरे सामने सफेद चमकता हुआ सितारा,